জানস কৃষ্ণাদ বিমুখ সদৈবা অধর্মশীলস সুদুঃখিতস অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনম ভূতানি ভাব্যানি জনার্দনস। শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদজী নে বতাতে হ্যাঁ, গুরু বৈষ্ণব কা কৃপা মিলনে কা মতলব ভগবান কা কৃপা মিল গিয়া, এ আপ নিশ্চিত সমঝ রখো, আগর শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব কা কৃপা মিল গিয়া তো এই ঠাকুরজি কা কৃপা হ্যাঁ। ঠাকুরজি বা কৃপা উপর সে আসমান সে আপকা উপর ডাইরেক্টলি গিরনে বালা নেই হ্যাঁ। ये गुरु वैष्णव भगवान ये जो एक अद्भुत तत्व है, तुलसीदास जी में सुंदर कहें चतुर नाम बपु एक इत्यादि करके, भक्तो भक्ति भगवान गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पगवंदन के নাশে বিঘ্নানে। শিল সরস্বতী ঠাকুরজি আকসর কহতে থে যে গৌড়ীয় বালে গৌড়ীয় মঠ কা আদমি গৌড়ীয় ভজন মে যে লগে হুয়ে হ্যাঁ, গৌড়ীয় সাধক যে হে লোক একায়ন পন্থা মে আস্থা রাখনে বালে হ্যাঁ। जो लोग गौड़ीय भजन करते हैं गौड़ीय मठ का गौड़ीय संप्रदाय का, वे लोग एकायन पद्धति में विशेष आस्था रखते हैं। एकायन पद्धति हमको समझ में नहीं आया महाराज, एकांत पद एकांती एकांतिक ঐকান্তিক একায়ন পদ্ধতি মতলব ঐকান্তিক রাস্তা, একায়ন পদ্ধতি আমারা সমঝ মে নেই আয়া। ওর এক বাত বতাতে হ্যাঁ, ইসমে থোড়া ওর জাদা সন্দেহ সংশয় সংশয় পেদা হো জায়গা, উসকে বাদ উসকা সমাধান ভি হো জায়গা, পহলে সংশয় পেদা করে। শিল সরস্বতী ঠাকুরজি বতায়ে শিল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় কো শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদজি নে বতায়ে, শিল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় কো গৌড়ীয়গণ কা একমাত্র গুরু সমঝো। শিল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় কো গৌড়ীয় ভজন মে একমাত্র গুরু সমঝনা, মহারাজ কেসে হো সকতা, हमारा कितना गुरुवर्ग है परंपरा है, शिला वृंदावन दास ठाकुर महाशय को एकमात्र गुरु समझे, ये कैसा बात है, और कोई गुरु नहीं है क्या महाराज, आप समझे नहीं। महापुरुषों का वाणी समझना मुश्किल है, जब तक शुद्ध गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा आप पर ना हो जाए तब तक बुद्धि शुद्धि नहीं हो सकती, বুদ্ধি শুদ্ধি হওয়া বহুত মুশকিল। এক সুন্দর মিশাল হিতনা সারে ফুল পত্তা হূজন করলে বাদ পানি হারে আপ এক কলস মে এক কলসি মে ভরকর রখ দিয়া, কিন্তু কব গঙ্গাজি মে যায় তো উধর সে যাকর সে ইয়ে সব ফুল পত্তে যে হুলসী পুরানে সব গঙ্গা জি মে দেখে পুরা কলসি কো ধো পোছকে নয়া পানি ভরকে লাওগে, ইয়ে বিচার হ্যাঁ। গঙ্গা মে গঙ্গাজি মে যাও তো উধর যাকে পহলে কলস কো লেকে জানে কা বাদ কলস কো উল্টা কর দোগে, উল্টা করকে জিতনা সারে দুর্গন্ধ দূষিত বস্তু হ্যা সারে
ऐसे तो पूजा का सामान दूषित नहीं हो सकता, ऐसे ही बताया फूल फल पत्ता जो है वो तो परम पवित्र है, ये बोलना भी उचित नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए बताया। जितना सारे पुराना फूल पत्ता पानी सारे गंगा जी में दे दिया और कलश को गंगा मिट्टी से माँच कर धूप, फिर उधर से नया पानी लेने के लिए एक कलश को ऐसा किया और धीरे धीरे ऐसा करते जितना पानी भरते चले तो उसको ही इतना सुविधा करते चलो, पूरा भर गया तो भर गया तो सीधा कर दिया। ऐसे ही गुरु वैष्णव का सामने जाकर हम लोग क्या करते हैं, गोता लगाते दंडवत ऐसा करके पूरा शरीर को माथा को नीचा करके जब दंडवत करके दंडवत आदि करके प्रणाम ज्ञापन करके जब उठते हैं मस्तिष्कों को जैसे लगता है कि पुराना जितना दूषित बुद्धि है वो गंगा पानी के पानी में डाल के अर्थात वैष्णव रूप जो शुद्ध भक्ति का पानी है उसमें डाल दिया और महाराज जी का साधु संतों का कृपा हम मस्तिष्क में भरपूर कर कर बस सीधा हुआ। जब तक शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा ना मिले तब तक बुद्धि शुद्धि होना मुश्किल है। श्रील प्रह्लाद महाराज जी का भी कहना है सुंदर, जब तक परमहंस गुरु वैष्णव का चरण धूलि हमारा मस्तक पर ना पड़े तब तक हमारा बुद्धि शुद्धि होना संभव नहीं। श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने विमला प्रसाद सरस्वती श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी अचानक एक दिन सामने बैठे हुए हैं और अपना चरण से जितना धूलि है ऐसा उठाकर प्रभुपाद जी का माथे पे लेपन कर दिया, ऐसा करके अपना चरण से धूलि लेके प्रभुपाद जी का मस्तिष्कों में लेपन कर दिया। जो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का चरण छूने जाओ तो गाली दे देंगे, जा भक्त उजाने कपटी है, सब कपट व्यक्ति हैं, सब दंडवत आदि करने के लिए आता है, किसी का बुद्धि शुद्धि नहीं, किसी का इच्छा नहीं है कि ठाकुर जी का धाम में चले जाए, ठाकुर जी का नित्य सेवा करे, ऐसा शुद्ध बुद्धि किसी का नहीं है। जोर जबरदस्ती चरण छुआ तो बोले तेरा सत्यानाश होगा, क्यों लिया मेरे चरण, ऐसा ही है। बस चर्चा चलते रहेंगे इस सब विषय पर। एकांत पद्धति का मतलब क्या है, हमारा जो भजन है भजन का जो पद्धति है ये तमाम जो विषय है टोटली एकांत पद्धति तो समझा नहीं, फिर भी हम बोला वृंदावन दास ठाकुर जी को एकमात्र गुरु समझो निश्चित, क्यों बोला, क्योंकि और गुरु वर्ग नहीं है, बोला है, आप समझा नहीं विषय को। एक बात पूछे सिले वृंदावन दास ठाकुर महाशय कौन होता है इसका, ये तो गौरांग महाप्रभु का लीला में वृंदावन दास ठाकुर महाशय ये तो इसका एक स्वरूप एक नित्य स्वरूप का परिचय है वृंदावन दास ठाकुर महाशय। और वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन लीला में इसका परिचय क्या है, वृंदावन लीला में सिलो वृंदावन दास ठाकुर महाशय का परिचय क्या है कौन जानते हैं, बोलो। वृंदावनीय लीला में वृंदावन दास ठाकुर का परिचय है कुसुमा पीड़ो सखा, कृष्ण का सखा, खेलकूद करने वाला सखा, लड़ाई करे खेलकूद करे ऐसा। और श्रील वेदव्यास जी उसमें शामिल हुआ वृंदावन दास ठाकुर में, वेदव्यास जी आ कुसुमा पीड़ो सखा दोनों आके शामिल हुआ। अब हुआ अधुना वर्तमान इनके नाम है वृंदावन दास ठाकुर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जो है जाने माने कौन नहीं जानता। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी
चैतन्य चरितामृत आदि बहुत सारे किताब का इनके रचना, इनके जो भाव है, सिद्धांत है, डायरेक्टली अप्रूव्ड बाय राधा रानी, साक्षात राधा रानी अनुमोदन किए। बोले एक उदाहरण दो, कैसे राधा रानी अनुमोदन किए? बोलने से होता नहीं, हर बात प्रामाणिक होना चाहिए। हम कोई गप बोलने के लिए बैठे नहीं, मजा मस्ती। सारे 24 अक्षर मंत्र है, कौन काम गायत्री काम बीज जानते हो? काम गायत्री का जो है, काम गायत्री काम बीजे अप्राकृतो मदन मोहन, भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण का भजन होता है। बाकी आपका किसी भी व्यवस्था में आने वाला नहीं है ठाकुर जी। बस एक रास्ता है, जितना सारे फल फूल लाओ, जितना बड़ा कुछ मंदिर बनाओ, कुछ करो। अगर वृंदावन का भाव नहीं है, ब्रजगोपी का, ब्रजवासी का भाव नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण नहीं है। इसलिए हर भक्तों को हर मंदिर में जहां बाद में ठाकुर जी का कृपा से थोड़ा बहुत कथा बोलने के लिए बैठता हूं, एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, विनती है, जितना सारे माताएं रहेंगे मंदिर में, जितना सारे बाबा लोग रहेंगे, दे शुड बी वेरी प्योर। हर वक्त इतना शुद्ध विचार लेके चलोगे, शुद्ध ऑटोमेटिक हो जाता है। जिसका भाव शुद्धि है ना, वो बोलने का दरकार नहीं। कपड़ा शुद्धि करो, सब शुद्धि करो, तो बाहरी शुद्धि है। जिसका भाव शुद्धि हो गया, तो उसका शुद्धि का क्या बाकी है? हृदय शुद्धि ज सरे तो पुंडरिकाक्षण सब बाज्य बांतरम सूची। जिन्होंने ठाकुर जी को हृदय में बैठा कर रखा है, उसको क्या शुद्धि बाकी है? कुछ कमी रह गया कि शुद्धि का? हमारा गुरुवर्गों ने ये शिक्षा दी, लिखा चुका है चैतन्य चरितामृत में, रसामृत सिंधु, सारे तमाम शास्त्रों में, जब तक ब्रजभाव ना आ जाए तब तक नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का आराधना नहीं हो सकता, संभव नहीं। द्वारकाधीश कृष्ण का भजन हो सकता कभी, अगर उतना ऊंचा अब उठो तो। मथुराधीश कृष्ण का भी अगर भजन हो जाए तो हो जाए, लेकिन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन होता नहीं। ऐश्वर्य भाव रहने से मंदिर में घुसो, राधा गोविंद जी का विग्रह, राधा श्याम सुंदर सब है, अर्चन करके निकालो। उसको पूछे, महाराज आप क्या अर्चन करके आया है? बोले, महाराज हम राधा गोविंद जी का, राधा श्याम सुंदर जी का अर्चन करके निकाले। प्रभुपाद बोले, नहीं, तुम्हारा राधा श्याम सुंदर का वो अर्चन नहीं हुआ, तुम्हारा नारायण लक्ष्मी देवी का अर्चन हो सकता, मैक्सिमम 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 लक्ष्मी नारायण तब पूजा हो सकता, क्योंकि आपका अंदर में वैभव भाव है। ऐश्वर्य भाव के द्वारा नंदनंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं हो सकता। ये कार्तिक महीना जो है, ये उज्जा व्रत है, राधा रानी स्वयं ये व्रत का अधिष्ठाती देवी। हम ये सब सिद्धांतों बताए इसलिए कि आप लोग सावधान हो जाए, हम इसलिए बताए कि आप लोग सावधान हो जाए, कैसे भगवान का पूजन बिना प्रेम से नहीं मिले। नंदलाला कुछ भी कर लो, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, मिलेगा नहीं। इससे ब्रजवासी का प्रेम जो है वही आपको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी आज महाराज बोल के गया, कल हम नकली करके ब्रजवासी का भाव को अपनाया और अत्याचार शुरू किया, ये नहीं। इसीलिए भजन रहस्य विचार जो है, ये कार्तिक महीना में पूरा भजन रहस्य का विचार पाठ करना, किसी भी दोपहर का टाइम कभी टाइम हो आधा घंटा के लिए कुछ, ये उचित है। भजन रहस्य का साइंटिफिक व्याख्या, विज्ञान भित्तिक व्याख्या, ज्ञान
वो आपने पता कर लिया। विज्ञान जो अनुभव के द्वारा सिद्ध ज्ञान है उसको विज्ञान बोलता है। हो सकता है आपका बहुत सारे श्लोक मुखस्त है, तमाम शास्त्रों को आप याद कर लिया, लेकिन ज्ञान है लेकिन विज्ञान तो नहीं है। डायरेक्ट अनुभव के द्वारा जो पुष्ट ज्ञान है उसको बोलता है विज्ञान है। ज्ञान अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। एक दफे नारद जी बड़ा भारी प्रेम करके अपना पूर्व जो चतुर्सन जो है चतुर्सन सनंद सनंद सनत कुमार ये चतुर्सन नारद जी का, जब भी नारद जी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है और चतुर्सन जो है वो भी किसका पुत्र है, ब्रह्मा जी का ही। क्रोतु आदि करात क्रोतु, कर से क्रोतु, कुल से उत्संग से नारद जी, बहुत सारे बात है। लेकिन नारद जी बड़ा दुख विनम्र भाव से अपना पूर्वजों जो चतुर्सन है विनम्र भाव से आंसू लेकर बताते हैं, आप मेरे को ज्ञानी बताते हो, आप लोग मेरे को ज्ञानी बताते हो। हाँ हाँ, अभी शास्त्रों का ज्ञान तो हुआ है लेकिन शास्त्रों का अनुभव अब तक नहीं आया। शास्त्रोज्ञ हुआ है लेकिन आत्मज्ञ नहीं हुआ। शास्त्रोज्ञ तमाम शास्त्रों को मुखस्त कर लो, आप पीछे से बड़ा बड़ा डिग्री लगा दो महाराज, हो सकता। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो उपनिषद के ऊपर, वेदांत के ऊपर, इतिहास के ऊपर बड़े सारे डिग्री हासिल कर लिया। डिग्री हासिल करना और उसको अनुभव में उतारना एक बात नहीं है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में चैतन्य चरितामृत का एमए क्लास में जो है, चैतन्य चरितामृत जो फिलोसॉफी में है उसमें उसका इट्स ए मास्ट, चैतन्य चरितामृत का उसमें परीक्षा है। जो सब प्रोफेसर लोग हैं वो चैतन्य चरितामृत तो पढ़ाते रहते हैं। कोई कोई प्रोफेसर का साथ हमारा जानकारी हो गया, कोई जोर जबरदस्ती आता है मेरा साथ, कहाँ से कथा मिल गया, और पति पत्नी सब देखा करने के लिए आया, पत्नी भी पढ़ाती है कॉलेज में, वो भी आके बोले महाराज हमको आपका कथा सुना, हम तो कुछ नहीं जानते, हम क्या बोलते हो, आप तो प्रोफेसर हो अब जानते, ऐसा नहीं बोलना, हम आप तो प्रोफेसर हो आप जानते हो, हम क्या जानते, हम कुछ नहीं जानते। बोले महाराज जब तक आपका प्रवचन ना सुने तब तक तो क्लास में जाए तो मुखस्त बोलना चाहिए, हम मुखस्त बोल देता, और कुछ समझ में नहीं आता क्या है, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, वो मुखस्त बोल देता। एक दफे हुआ था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक सिंपोजियम होगा, उसमें चैतन्य चरितामृत का ऊपर कुछ भाषण, चैतन्य चरितामृत तो है ही है, चैतन्य चरितामृत का अंदर राय रामानंद संघ टिपिकल उसका ऊपर चर्चा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी है, बहुत अनोखा चर्चा, बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी हैं, लेकिन वो लोग कलकत्ता हमारा बाग बाजार गौरी मठ जो है गौरी मिशन में एक पत्र लिखा, जो आपका मठ से कोई मिशन से कैन यू सेंड वन पर्सन हु कैन डिस्कस चैतन्य चरितामृत, अर्थात ये जो है आपका राय रामानंद संवाद का ऊपर चर्चा करे, ऐसा कोई है ये आप कोई संत महात्मा को भेज दो। तो उधर नियम है कम से कम एमए नहीं होने से उधर भाषण दे, जब भी एमए और बीए क्या फर्क पड़ता है, ये साधु जो है उसका कोई डिग्री ना तो कहाँ एमए भी, फिर भी नियम है। और गया एक हमारा ही गुरु भाई और जाके बस उसका ऊपर इतना सुंदर प्रवचन दिया, वो तो आश्चर्य हो गया महाराज कैसे संभव है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि हमारा शास्त्रोज्ञ तो हुआ लेकिन तत्वज्ञ नहीं हो पाया। शास्त्रोज्ञ होना बड़ा बात नहीं लेकिन तत्वज्ञ होना बड़ा मुश्किल की बात है। जो बात का उत्तर देने जा रहा था
उसका उत्तर अभी नहीं दिया। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन लीला में राधा रानी का खास सेविका कस्तूरी मंजरी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जब चैतन्य चरितामृत लिखते लिखते हर पल हर में ये लिख रहा है वृंदावन दास ठाकुर का चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो, इन्हीं के जो प्रसाद है वो लेके मैं उच्छिष्ट को चरवन कर रहा हूं और उसी में जो निकले सो निकले, हम क्या करें। वृंदावन चरणे वृंदावन दास ठाकुर महाशय के चरण में मेरा कोई अपराध ना हो, क्योंकि चैतन्य लीला का वर्णन एकमात्र सिद्ध हस्त है वृंदावन दास ठाकुर महाशय, हम तो ऐसे ही है उनका जो कृपा है लेके बैठा हुआ। अब हम प्रश्न करें को ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है, अभी बताया प्रिय नर्म सखी, प्रिय नर्म सखी कस्तूरी मंजरी। और कृष्ण भगवान इनके जो साथी कौन है, वृंदावन दास ठाकुर महाशय। अब आप विचार करके देखो राधा रानी का जो सहेली है इसका पोजीशन, और कृष्ण भगवान का सेवा करे माने खेलकूद करे, तो रसगत तो विचार में रस का विचार करो, ऐसे तो अपरागिज्जत में भेदभाव नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, लेकिन रस का विचार करो तो देखोगे कस्तूरी मंजरी का पोजीशन क्या है। रसगत विचार में ये भेदभाव नहीं है, रस का वैशिष्ट्य है, एक्सीलेंसी ऑफ रसा, रस का एक्सीलेंसी है, रस का वैशिष्ट्य है। तो रसगत विचार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का पोजीशन क्या है, फिर भी वृंदावन दास ठाकुर का चरण पकड़कर बोल रहे हमारा कोई जरा सा भी अपराध ना हो जाए वृंदावन दास ठाकुर, ये तो विनती है, ये तो उनका विनम्र भाव है, त्रिनाद विभाव, त्रिनाद विभाव का एक इसका ही एक्सप्रेशन, त्रिनाद विभाव ना हो तो हरि कथा हरि कीर्तन करने का कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लिखा हुआ है, फिर उसका चर्चा प्रभुपाद जी भी कहे अक्सर कहते हैं कि, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक कंडीशन दे दिया हरिकथा कीर्तन के लिए, क्या है, तिनाद विष्णुचिन तररूपी सहिष्णुना अमनिन मनोदिनो कीर्तनीय सदा हरि। जो लोग वास्तव हरि कीर्तन में अधिकार लाभ करना चाहते हो जरूर कान खोलकर सुन के रखना, अभिमान को त्याग करो, अभिमान को फेंको, अपना जिंदगी से अपना जिंदगी से अभिमान को फेंक दो, और ये सोचो कि दुनिया में मेरे से गिरा हुआ आदमी कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा अधम पतित, मेरे से नीचे कोई नहीं, ये विनम्र भाव रहे और ठाकुर जी का चरण में पूरा विश्वास रहे। और उसका पहले बोलना चाहिए था कि गुरु वैष्णव के चरण में 100% विश्वास है, 100% विश्वास है, ये मान के चलो कि उसका सिद्धि इसी जन्म में होने वाला है, 100% गुरु वैष्णव में 100% जिसका विश्वास है उसका सिद्धा, बस मान के चलो कि उसका सिद्धि हो ही गया। सायंकालीन अधिवेशन में इस विषय पर और ज्यादा चर्चा करेंगे, अब तो फोकस पॉइंट है श्रील भक्ति प्रोग्राम केशव गोस्वामी महाराज का, अब तो हम बैकग्राउंड तैयारी कर रहे हैं कि गुरु वैष्णव का चर्चा ऐसा चर्चा ना हो जाए कि उसमें लगे कोई आदमी पैदा हुआ था मर गया, बस इसी के बारे में, ऐसा होने से अपराध हो जाए, इसीलिए मैं इस बात को खोला। अब जिस बात को जिस बात का ऊपर हमारा संशय पैदा हुआ था उस बात को समाधान नहीं हुआ, उस बात का कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो काम गायत्री जो है काम गायत्री के सारे 24 अक्षर का एक एक अक्षर का व्याख्या किया, एक एक अक्षर कृष्ण का रूप है, ये अक्षर जो है कृष्ण का कौन कौन अंग प्रत्यंग का वर्णन है, सारे 24
अक्षय सारे 24 अक्षर के चंद्रमा भगवान का शरीर में पूरा चंद्रमा गंडो देश में हाँ ऐसा करके भाल कुपल दे ये कुपल देश है भाल हर जगह चंद्रमा हाथ का जो 10 नाखून है 1 2 3 5 अंगली 5 अंगली 10 चरण का 5 5 10 सारे उसमें से लगता है कि करोड़ों चंद्रमा का उदय है। भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल में अगर दृष्टि जाए ठाकुर जी का कृपा से अगर दर्शन हो पाए तो एक एक चरण कमल का जो नखराबिंद है ये चरण कमल का ये जो नखराबिंद है ये चरण कमल का नखराबिंद से लगता मानो कि करोड़ों चंद्र का उदय हुआ है इतना शीतल है। निताई पद कमलो कोटि चंद्र सुशीतलो इट इज नॉट ए मैटर ऑफ जोक। आप बोलते हो कि इट्स अ मिरिफ ओनली ए फिलोसॉफी नॉट दैट। निताई पद कमलो कोटि चंद्र सुशीतलो आप सोचते हो कि ये फाका एक फिलोसॉफी है फूलिश मूरख है। जो संत महात्मा का ऊपर नित्यानंद प्रभु का चरण गया वो डायरेक्टली उसका हृदय में अनुभव हुआ। नित्यानंद प्रभु कृपा करके जिसका माथे पर अपना चरण को रखा वो छोड़कर दुनिया का थर्ड देयर इज नो थर्ड पर्सन हु कैन रियलाइज दिस डायरेक्टली। जिसका हृदय में डायरेक्ट अनुभव है ऐसा कोई नहीं है एकमात्र वो है। आज जो संत महात्मा को ऊपर नित्यानंद प्रभु का चरण पड़ा है वो आपका सामने बोलेगा नहीं कि हमारे ऊपर नित्यानंद प्रभु सपने में नहीं वो सपने आधा जागरण। नित्यानंद प्रभु आके चरण को दिया कौन है इतना शीतल करके देखारी चरण कमल ये बोलेगा नहीं बोलना नियम नहीं। जिसका ऊपर कृपा वो जानता है और जो कृपा किया वही जानता है आपस में हिलमिल वो बाहर का आदमी जानेगा नहीं। लेकिन कृष्णदास कुबेराज गोस्वामी शर्म कुमारे सर झुकाया बोले क्षमा करना ये बात को बताना तो उचित तो है नहीं लेकिन अगर ना बताएं तो मेरा अपराध भी हो जाए क्योंकि दुनिया का आदमी जो पढ़े चैतन्य चरितामृत में तो उसके ऊपर ये भी भरोसा है कि हाँ नित्यानंद प्रभु आता है कृपा करता है वो कोटि चंद्र सुशीतल परफेक्ट बात है। नित्यानंद प्रभु अपना जीवन कहानी भले सपने में आया झमाट पुपुर पूर्वाश्रम में मैं एक दिन सोया हुआ और जागरण का समय हुआ अचानक देखिए अरे कौन आया प्रकांड शरीर आके मेरे भाई उठो उठो कृष्णदास उठो क्या सो रहे उठो जागो जाओ वृंदावन जाओ जहां सर्व सिद्धि है वहां सर्व सिद्धियों को उठो। आप बोल के अपना चरण को मेरा मस्तक पे दिया हम तो हैरान हो गए क्या बात हरि राम राम नित्यानंद प्रभु ये कृपा को अगर बताए तो भी शर्म का बात है और ना बताए क्यों नमो खरामी हो जाए बताए तो ये भी मुश्किल अब शर्म की बात है ना बताए तो नेमो खरामी हो जाए हम कहाँ जाए और बताए तो ठीक है संत समाज ये सुने और बहुत शक्ति ताकत पैदा हो जाए उनमें इसी जन्म में उसका अंदर में ये निश्चय हो जाए कि ठाकुर जी को प्राप्त करके ही रहेंगे हम इसी जन्म में ठाकुर जी को प्राप्त करके रहेंगे हमारा इतना बड़ा प्रतिज्ञा है। अब बाकी ठाकुर जी जाने हम तो प्रतिज्ञा कर दिया प्रतिज्ञा को निभाना तो ठाकुर जी का बात है और ठाकुर जी तो टालते नहीं है भक्तों का बात जो निकल गया तो उसको सच्चा करके दिखाते ही है ठाकुर जी तो ये स्वभाव है। मत प्रतिज्ञा अधिकार तुम पितामह विश्व जी कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में हमने प्रतिज्ञा किया तुमको अस्त्र पकड़ा के छोड़ेंगे और ठाकुर जी हम अस्त्र पकड़ेंगे नहीं तो युधिष्ठिर यही है तुम्हारा पितामह विश्व और जब जाने का टाइम में आंसू बहाते बोले मत प्रतिज्ञा अधिकार तुम
रीतम मत प्रतिज्ञा रीतम अधिकर्तुम अवप्लुत रथस्य, मेरा प्रतिज्ञा को सच्चा बनाने के लिए रथ से एकदम छलांग लगा के, जैसे लायन शेर ऐसा छलांग लगा के आया। गतो उत्तरियो, इसका जो उत्तर बहिर्वास है हवा में उड़ के जा रहा है, और ठगवान रथ का चाका लेकर एकदम मरने जाए। विश्व पितामह के महाराज ऐसा तो बात नहीं था, तुम तो अस्त्र पकड़ोगे नहीं, ये तो उन लोगों का मामला है, तुम पीछे में क्यों पड़ते हो बीच में। बोले ठाकुर जी, बोला हम क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा जो प्रतिज्ञा है ये टूट जाता है, भक्तों का प्रतिज्ञा का सामने मेरा प्रतिज्ञा टूट जाता, मैं क्या करूं, मेरा मजबूरी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे 24 अक्षरों में सारे 24 चंद्रमा का सुंदर व्याख्या की है। सारे 24 अक्षरों में भगवान श्री कृष्ण का अंग प्रत्यंग का कहां कहां से चंद्रमा एकदम बिछुड़न ज्योति, इसका व्याख्या की है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये जो लिखा है, ये जो सिद्धांत तो है, ये पढ़ के श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बात है, द ग्रेट विश्वनाथ चक्रवर्ती बात, चक्रवर्ती नाम हुआ ये चक्रवर्ती बात। इसको पढ़ते हुए बोले महाराज हमको तो विश्वास नहीं होता, 24 अक्षर ठीक है, सारे 24 अक्षर है, सारे 24 कहां से आए, 24 ठीक है, हाफ अक्षर का भी कोई हाफ होता है, हाफ अक्षर हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये जो लिखा है तो सिद्धांत तो पक्का है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम काल भी बताया था, अगर मंत्रो अक्षर समझ में नहीं आया, मंत्रो अक्षर में जो अक्षर है वो पूर्ण कृपा तुम्हारा पर नहीं हुआ, तो मंत्र अक्षर का जो देवता है, मंत्र देवता आपका सामने दर्शन देने वाला नहीं। विश्वनाथ चतुर्थी बाद गौड़ीय भजन में कितना ऊंचा पोजीशन पे है, हमारा मापिक गिरा हुआ आदमी इसका बारे में क्या बताए। स्वयं ठाकुर जी सिर झुका सर को झुकाते हैं, ये विश्वनाथ चतुर्थी बाद है। भागवत में जितना सारे 18 बहुत सारे टीका है, उसमें जाने माने जो इंपॉर्टेंस टीका है उसका ऑथेंटिक टीका 18 टीका, 18 कमेंट्री वी कैन सी ऑन भागवतम। भागवत का ऊपर 18 टीका है महाराज, ये 18 टीका जो है एक एक महान पुरुषों का अवदान है, एक एक महापुरुष। जैसे देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात तो अभी किया 500 साल पहले, सबसे पहले क्या सीधा साईपाद, सीधा साईपाद जो निसिंहदेव स्वयं निसिंहदेव माचा को फार कर नीचे आ गया। बहुत सारे घटना है, वो बालेश्वर छोड़ के भद्रक बोल के एक जगह है पहाड़ के ऊपर, वहां बहुत सारे घटना है, वहां वो छप्पड़ को फाड़ कर हमारा जो सीधा साईपाद वो घर का अंदर में गया। वो कारण है बहुत सारे, हम नहीं बताएंगे किस लिए, कोई अट्रैक्शन ये खिंचावट कारण है, इसलिए छप्पर को फोड़ो लोग घर लोक था, छप्पर को फाड़ कर अंदर कूदा। अंदर कूदने का बाद देखा साक्षात निसिंहदेव ऐसा करके बैठा हुआ, अरे मैं तो किस खिंचावट में इधर आ गया, साक्षात निसिंहदेव है। निसिंहदेव कृपा किया, निसिंहदेव ऐसा करके अपना हस्तों को मस्तक पर रखा, और शास्त्र में ये बताया जे सिधरम व्यक्ति निसिंह प्रसादात, निसिंहदेव का कृपा, ये कृपा के द्वारा सिद्ध साईपाद को जानकारी है भागवत का बारे। भागवत का ऐसा कुछ नहीं है कि सिद्ध साईपाद जानते नहीं है, सिद्ध साईपाद जानते कैसे, बोले सिधरम व्यक्ति निसिंह प्रसादात, निसिंहदेव का कृपा के द्वारा, जिसका बारे में हम वंदना में बताते हैं, क्या बताते हैं, बागी सजस्य बदने लक्ष्मीर यस्य च बक्षसी जस्यास्ति हृदय संबित त्वं निसिंह महम्मज। बागी बाग ईशा जस्य बदने जवान पे
बागी सजस्व बदने लक्ष्मी रिजस्व लक्ष्मी रिजस्व च बक्षसि। ये जो है आपका ये कोई गप नहीं है। इस बात का प्रमाण क्या है? साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जब हमारा बल्लभाचार्य जी आके बोले सीधा साईं पाद का टीका हम मानते नहीं है, वो तुम्हें बेकार है, वो हमने टीका रचना किया। महापौर क्या बताते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भगा दिया। स्वामी नहीं माने तारे बेशा मत्ते गोरी, तुम स्वामी नहीं मानते हो सीधा साईं पाद जो साक्षात नृसिंहदेव का कृपा के द्वारा जिसका हृदय में भागवत भागवत भक्ति और भागवत जी महापुराण साक्षात अपना स्वरूप लेकर प्रकट भये, जिसका पूरा तमाम भागवत का जानकारी तो है ही है और पूरा दुनिया को मार्ग दिखाने वाला जो जगत गुरु है, इसका चरण में तुम अपराध कर रहे हो? तुम्हारा इतना बड़ा एडासिटी है, इतना बड़ा अभिमान है, जाओ, भगा दिया। उसका बाद जो रो रो के आया, शरण लिया चैतन्य महाप्रभु का, बोले अब क्षमा करो बहु, मेरा अंदर में तो अभिमान आ गया था, हमने गलती कर दिया। हां अभिमान नहीं होना चाहिए, जहां भक्ति है, जहां भक्ति का साथ इतना सारे विद्वा है, सब कुछ है, वहां स्वाभाविक विनम्र भाव, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गोवि हसनी सुनी चयो सप्या के सौ समदर्शिना। जिसका अंदर में विनम्र भाव सिद्ध हुआ है, आप इसका बारे में इसका जो रहस्य है यू कैन गो थ्रू इट। कैसे आया है इसका विनम्र भाव, कैसे सिद्धि हुआ है, कैसे भजन करोगे बोलो? जितना सारे इंद्रिया है, आंखों आंखों आदि आंख कान नाक जितना भजन आपका इंद्रिया सब तो मेटेरियल ऑर्गेन, जितना सारे आपका आंखें हैं देखने वाला देखने के लिए सहायक सहयोग करते हैं, आप कान है सुनने के लिए, नाक है सूखने के लिए सूंघने के लिए, जितना सारे इंद्रिया है सब तो मेटेरियल है, मेटेरियल है ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद बताएं, भूमि रापो अनलो खंग मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियंग में प्रकृति रष्ट था। ये तो हम नहीं बताते, किस चीज को लेकर, किसी मसला को लेकर, क्या पूंजी लेकर तुम भजन करोगे? व्हाट इज योर मिनिमम कैपिटल, व्हाट इज योर मिनिमम कैपिटल, तुम्हारा मिनिमम पूंजी क्या है जिसको लेके तुम भगवत भजन करने के लिए इतना साहस प्रकट किए, इतना बड़ा स्पर्धा है तुम्हारा, कैसे भजन करोगे? तुम्हारा तो सब जड़ है। बोले मैंने हम क्या करें महाराज, जड़ तो है ही है तो तू भजन नहीं बनेगा? बोला हां हो सकता, एक कंडीशन है, ये भी गीता में ठाकुर जी बता दिया, ठाकुर जी स्वयं बताए, हां तुम्हारा सारे कृति साध्य भावहा इत्यादि रसामृत श्लोक में रसामृत सिंधु में कृति साध्य भावहा जी, हम जानते हैं कि ये इंद्रियों के द्वारा भगवान का भजन अर्थात सेवा हो नहीं पाती, लेकिन हम कहां जाएं, हमारा तो है ही है ये सब। बोले ठीक है, एक कंडीशन है, वो क्या है? बोले गुरु वैष्णव का चरण में 100% शरणागत हो जाओ। उसमें क्या होगा? बोले गुरु वैष्णव का चरण में 100% शरणागत हो जाओ, गुरु जी से दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, उसके बाद चिदानंदमय उसका इंद्रिय हो जाएगा, शरीर है उसी के द्वारा नंदन भगवान का सेवा बन सकता है, नॉट बिफोर दैट, उसका पहले होता नहीं। और गीता में भगवान ये भी बताते, देखो तुम जब शरण में जाओगे तब आपका उपदेश मिलेगा, उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिना, जब तुम शरण में जाओगे 100% देयर इज नो डाउट, ए डाउट जो है इट्स अ काइंड ऑफ बैरियर विच कैन नॉट अलाउ यू टू गो फादर इन भजन, भजन में तुमको आगे नहीं जाने देंगे, हम इधर भेजा तुमको मजा मस्ती के लिए, बहुत सारे माता जी यहां रहते हैं, तुम्हारा भजन सत्यनाश हो जाएगा, तुमको भेजा है परीक्षा के लिए, वहां जाके क्या कर, हम तो जिंदगी में पहली बार आया, इसमें तुम्हारा क्या भाव है, ये अगर सिद्धि हो जाए तो तुम्हारा भजन सिद्धि होगा, हमारा कृपा भी होगा ठाकुर जी का गुरु जी का कृपा, नहीं तो होगा नहीं, इसी से बस गो बैक।
टू पेवेलियन, बोल्ड आउट हो गया और जाओ पेवेलियन में चले जाओ, हो गया तुम्हारा छुट्टी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, देखो ये अभिमान के बारे में हमने बताया, अब इसी बात को उठाते हुए श्रील हमारा श्रील परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का चरित्र के बारे में थोड़ा बताएंगे हम। तो ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी 24.5 अक्षर का वर्णन किए, 24.5 चंद्रमा है, तो कृष्णदास ये हमारा हमारा जो विश्वनाथ चक्रवर्ती बात उनको समझ में नहीं आ रहा, बोले कैसे हो सकता 24 अक्षर ठीक है, 24.5 कहां से आ गया, और बिना पानी बिना भोजन राधा कुंडो और श्याम कुंडो का बीच में जो जगह है आप जानते हो मिलन स्थली, राधा कुंड और श्याम कुंड का जो मिलन स्थली है वो मिलन स्थली है, बीच में जो जगह है वह बिना पानी एकदम एकदम सो गया। बोले ठाकुर जी कृपा करो तो ठीक है, नहीं तो हम मरेंगे, इधर मर के ही उठेंगे, इच्छा है तो कृपा करो ना तो हम मर के ही उठेंगे बिना पानी। सो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन राधा रानी को रहा नहीं गया, राधा रानी आए सपने में, ए उठो हरिवल्लभ, विश्वनाथ चक्रवर्ती और बाद में नाम हुआ हरिवल्लभ, हरिवल्लभ उठो, देखिए राधा रानी आ गई, उज्जेश्वरी राधा रानी बराब है, बोलो चिंता मत करो, तुम्हारा अंदर में कोई डाउट संशय संदेह नहीं होना चाहिए। बोले महा हम क्या करें, बोले 24.5 अक्षर जो लिखा है इसका विचार हम कह देते हैं, ये कृष्णदास जो है ये मेरा प्रिय नर्म सखी है, ये कभी गलत नहीं बोल सकती, इसका गलत नहीं बोल सकती है, ये मेरा प्रिय नर्म सखी है कस्तूरी मंजरी, वो जो बताई वो सही है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया, चलो हम समझा देते। वर्ण वर्ण भी अगमत बोल के एक छोटा सा किताब आदि किताब, उसी से विचार करके सारे अक्षर जो 24.5 अक्षर क्या आधा अक्षर कौन है इसका बारे में व्याख्या किया, तुम उठ के देख लेना और पानी पियो, खूब प्रसाद पाओ, भोजन करो, कोई चिंता ना करो, बस कृष्णदास कविराज गोस्वामी एकदम कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कृपा हो गया, किसका ऊपर, राधा रानी का कृपा हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती उठ के खड़ा हो गया, आप तो ठीक है आनंद, विश्वनाथ चक्रवर्ती मामूली आदमी नहीं है, चक्रवर्ती चक्रवर्ती उसका उपाधि है, एक दापे रूपों को सही बात एकदम तन्मय होके वो राधा कुंड श्याम कुंड का बीच में बैठ के एकदम तन्मय होके एक एक जो देख रूप गोस्वामी रूप मंजरी एकदम बुद्ध होकर बैठ के राधा कुंड श्याम कुंड का बीच में मिलन सनी पे एक अपरूप दृश्य अपना नयन गोचर हुआ, वो लीला को देख रहे हैं, लीला चल रहे हैं और लीला को देख रहे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती हरिवल्लभ चरण के सामने बैठा हुआ है माथा झुकाकर, आश्चर्य के बाद पेन लेकर बैठा हुआ है, गो रूपमंजरी जो बताए तुरंत हम लिख लेंगे, और रूप को सही पद वर्णन करते चले अनोखा लीला, ये लीला का बारे में श्रवण का अधिकार आपका नहीं है, यहां एक भी आदमी नहीं है जिसका अधिकार है सब लीला को श्रवण करे, कहां बताएं, हमको तो अभी मुख होकर एकदम जवान बंद कर एक स्थान में बैठना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद का आदेश है, कौन समझे कहां बताए, ये सब लीला वर्णन किए रूप गोस्वामी वर्णन करते चले और विश्वनाथ चक्रवर्ती बात लिखते चले, प्रेम संपूट प्रकाशित हो गया, प्रेम किसको बोलता है, गंभीर विषय, लेकिन ये सब विषय सुनना चाहो तो वास्तव भजन में उतारो, जो हम पहले शुरू किया था एकायन पद्धति में हमारा परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज जी राधा रानी का सहेली, इनके जो सोरी छोड़ना वो भी देखने का बात है, श्रील वामन गोस्वामी महाराज बताते हुए देखो महाराज मंदिर में आरती भई मध्यान्हकालीन आरती, उसमें राधा रानी का गले से हार जो है फूलों का हार वो गिर पड़ा नीचे,
अचानक, और वो माला को लेकर पुजारी आके महाराज जी का गले में दे दिया, बस सॉरी छोड़ दिया। पहले बताते ए 55 देख तो, आज का पूर्णमासी है कार्तिक पूर्णिमा, क्या देख तो ठीक से, अरे कितना दिन से बोल रहे, आज क्या तिथि है देख तो ठीक से, मतलब सॉरी छोड़ने का तिथि। क्या विचार है महाराज, ये लोग तो चुटकी लगा के शरीर को छोड़ते हैं, जब इच्छा, जब इच्छा शरीर छोड़ के चले जाए, इतना बड़ा महापुरुष है। ये एकायन पद्धति दे, इसका बारे में थोड़ा बहुत बताएं, जो लोग है तो वो सुने, नहीं है तो बाद में सुनेंगे, वो तो कॉपी है वो सुनते रहेंगे, बहुत सारे बिजी है वो लोग। वृंदावन में बड़ा सुंदर परिवेश है, कितना भी काम रहे लात लगा के आ जाओ, कथा सुनो पहले, पहले कथा और उसका बात, मेरा जिंदगी जा रहा है, देर इज नो सच गारंटी, अभी भी मर जाए। आने का पहले एक भक्त बोला, महाराज काल बात करके गया और सुबह में खबर आया मर गया, सुबह में खबर आया सौरवपुली में निमायती तो घाट जो है आपका मंदिर है, तो महाराज रात को बात करके गया, सुबह में खबर आया वो गुजर गया, अब कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है किस बात का अब मजा ले रहे हो, किस बात का मजा ले रहे हो, क्या मजा मस्ती है आपका जिंदगी में। तो एकायन पद्धति का मतलब ठाकुर जी का चरण में जो हमारा पूजा का उपहार जो है, हमारा जो कथा भी है, ये भी एकायन पद्धति में चल रहा है। आप लोगों में जो एक्सपीरियंस्ड है, जो बहुत दिन से भजन कर रहा है, बहुत महापुरुषों का संग किए हैं, वो लोग समझ सकता है। मेरा कथा, मेरा कोई मेरा कथा नहीं है, मेरा कथा जो हरि कथा है, ये तो हम तो सबसे बड़ा गुलाम है, हम आज जो बैस गद्दी में बैठे हुए हैं आपसे बड़ा गद्दी में बैठे नहीं है, आप गलत देख रहे हो। हमारा बैस गद्दी में बैठना मतलब हम गुरु वैष्णव का सबसे बड़ा गुलाम है, हम गुलामी करने के लिए बैठे हैं, आप लोगों का चरण का कृपा लेकर धूलि लेपन करके हम सबसे बड़ा गुलामी, सबसे बड़ा गुलाम है, अब गुलामी कर रहे हैं। हमारा हरि कथा हमारा गुलामी मतलब गुरु वैष्णव जो बताए सिद्धांत, तो आज हम परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज का गुलामी कर रहे हैं, इन्हीं का सिद्धांत तो ये सब विचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है, वो तो महाराज जी का है, गुरुवर्ग प्रभुपाद जी का है सारे। तो मतलब हमारा हरि कथा जो है एकायन पद्धति में चल रहा है, मतलब अपना कोई ख्वाहिश, अपना कोई स्वतंत्रता, अपना कोई स्वार्थ इसमें छुपा हुआ नहीं, इसमें एक बूंद भी कोई स्वार्थ मेरा छुपा हुआ नहीं है, विश्वास करो अकिन मानो। अब जितना सा रेहड़ी कथा आज तक हुआ है, पिछले पांच साल से तो है, उसका पहले तो कोई नहीं है, सब खराब हो गया, तो विश्वास करो ये सब लेके अपना पानी में फेंक दो, अब देखो मेरा अंदर में कोई रिएक्शन आता कि नहीं। चाहे सारे हरि कथा जो 5 साल से हो रहा है, उसका पहले तो गया पानी में, कुछ कुछ उठाया था सब गया, अब ये सब लेके आप पानी में फेंक दो, हम जाके बैठ जाएंगे गो माता को लेकर, तुलसी लेकर बैठ जाएंगे, क्या आनंद है, एक ही आनंद है। हजार लोगों का सामने हरि कथा बोलो या तो एकांत में जाकर चुपचाप हरि भजन करो, दोनों ही एक है, बड़ा सुंदर मसला है। कीर्तन प्रभावे स्मरण हईवे सेकाले भजन निर्जन संभव, तुम निर्जन भजन में जाओ सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि जड़ बुद्धि और जड़ विचार लेके तुम जाओगे। हम गीता से उठाया था प्रमाण, सायंकालीन अधिवेशन में हम और खुलेंगे बात को, अभी नहीं समय नहीं है। बड़ा सुंदर जितना सारे हमारा पूजन हो रहा है नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का, सारे एकांत पद्धति में जा रहे हैं, यहां तक कि कथा भी, क्यों हम गुरुचरण में शरणागत हो गए। रोते रोते बोला आप बुलाओगे तो बोलेंगे, नहीं तो हम चले। आज भी सुबह में बताए, काल भी रात को गाली दिए ठाकुर जी को, गाली दिए हमारा क्यों बैसासन में मजा नहीं हो रहा है, बैसासन में बैठने का साथ साथ हमारा मजा होता है, अब जब काल नहीं हुआ हम ठाकुर जी को गाली दिए नहीं हो रहा तो हम जाएंगे, चले जाएंगे, तुम्हारा पूछा तुम कर हम चढ़ाए, आज सुबह में भी गाली दिए, तुम्हारा पूछा तुम कर लो हम चढ़ाए, हमको इच्छा नहीं। ये नियम है, आप ठाकुर जी क्या करे वो जाने, लेकिन ये विश्वास करो कि गुरुवर्गो का जो सिद्धांत है, हमारा गुरुवर्गो का यही विचार है,
जो हम जो पूजा कर रहे हैं, कोई भी आप लोग हमको पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हम पूजा नहीं लेते। सब पूजा हम भेज देते हैं हमारा गुरुचरण में, हमारा गुरुजी भेज देते हैं उसका गुरुचरण, प्रभुपाद जी के चरण में। हाँ गुरुजी, शिला भक्ति प्रमोद पूर्व स्वामी गुरु महाराज परमंश श्रेष्ठ, वो पूजा नहीं लेते। एक बच्चा भी, एक नादान बच्चा छोटा ऐसा आया बच्चा, और देख लिया तो वो बच्चा को पहले दंडवत कर देंगे। अरे जब जब घर में बैठा हुआ है ऐसा, 100 साल का उम्र है बैठा हुआ, अगर दरवाजा का आवाज कोई बच्चा घुसा, बच्चा दंडवत करे बाद में, पहले महाराज जी उसको दंडवत कर। अजब बात है, बच्चा आएगा फिर दंडवत, वो तो बाद में, पहले महाराज जी दंडवत कर देते उसको। ये है महापुरुष देखे हैं। इसलिए अपने को लगता है हम अभिमानी हैं, हमारा अभिमान खूब ज्यादा है, हमको ये अनुभव होता है हमारा कहाँ गुरुजी है। इसी स्तर पर, इसी ऊंचाई पर हमको उठना चाहिए, नहीं तो कथा क्या होगा हमारा। तो जो भी है, ये जो एकायन पद्धति, एकायन पद्धति मतलब हम एक बहुत सुंदर एक तो एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सुंदर, पहले भी आप सुने होंगे रिकॉर्डिंग में, हम उदाहरण देते हैं। स्टेट बैंक का एक लोगो, स्टेट बैंक का एक लोगो देखे हो, स्टेट बैंक का राउंड करके एक चैनल है और कुछ नहीं है। अरे पब्लिक आश्चर्य हो जाए, इसका मतलब क्या है महाराज, पूरा एक गोल करके और उस बीच में से कटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, लोगो है एक सुंदर स्टेट बैंक का SBI। हमको बोलता है महाराज ये बात को उठाया क्यों, इसका माने क्या है। हम बोले इसका माने ये है, जे हमारा देश का जितना आदमी है बाहर, जो बाहर का पैसा जितना सारे सारे फिनेंशियल कैपेसिटी को इकट्ठा करो करके देश का इंप्रूवमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री यू कैन यूटिलाइज इट प्रॉपरली, यही माने हैं, ये माने हैं। पूरा जितना पैसा खराब हो रहा है सारे कैपिटल को इकट्ठा कर लो करके, सारे इकट्ठा करके यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, देश का, अपना देश का उन्नति के लिए यूज कर दो। वाह जबरदस्त व्याख्या हुआ, हाँ यही व्याख्या। गुरु वैष्णव का ये विचार है, हम श्रील बामन गोस्वामी महाराज कभी भी अपना सम्मान किसी का दंडवाद किसी का कुछ भी नहीं लेते थे। एक व्यक्ति एक जो नया गाड़ी खरीदा, एम्बेसडर खरीद कर, और जाके महाराज जी का हाथ में चाबी दिया और जाके दंडवत किया। महाराज जी देखते रहिए ये क्या है, भले महाराज जी गाड़ी का चाबी है आपका लिए गाड़ी खरीदा। महाराज जी बड़ा देखा, उसका बाद चाबी को लेकर दंडवत किया इधर, ठीक है चाबी को बोले लो, बोले नहीं महाराज जी आपका है, आपका लिए लाया। बोले हमारा है आप दे दिया, लेकिन आपका हाथ में फिर दे दिया हम। बोले क्यों, बोले हम गाड़ी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, बोले गाड़ी लेने से हमारा सेवक भी काल एक गाड़ी खरीदेंगे, हमारा नकली करेंगे, हम नहीं लेंगे। जब जरूरत पड़े तो हमारा टांगे खराब हो गया तो हम टैक्सी ले लेंगे, लेकिन आप ले जाओ, ये काल है महाकाल, इसका पीछे सब आ जाएगा, बदमाशी करेंगे, सब बदमाशी करेंगे इसका पीछे, एक गाड़ी है वो हम भी करेंगे, गुड़ी जी गाड़ी चल रहा है हम भी करेंगे। बड़ा सुंदर विचार है। हाँ तो क्या हुआ, ये जो आप लोग सम्मान देते हैं जो कुछ भी करते हैं गुरु वैष्णव में लेते नहीं लेते, वो उनका गुरुजी का चरण, और वो गुरुजी हमारा गुरुजी प्रभुपाद जी के चरण में, प्रभुपाद जी गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के चरण में, गौरकिशोर बाबा जी महाराज भक्तिमय ठाकुर के चरण में, भक्तिमय ठाकुर वृंदावन हमारा बंदा हमारा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ऐसा करके परंपरा के अनुसार सारे पूजा और दंडवत जाप कर रहे हो मेरे को, सारे हम पहुंच हम भेज दिया नित्यानंद बाबू के चरण में, हम लिया नहीं विश्वास करो, हम आपका एक भी दंडवत नहीं लिया, जो भी दंडवत आवास तक किए हो हम भेज दिया नित्यानंद बाबू के चरण में। इसी को बोलता है एकायन पद्धति, इट शुड बी चैनलाइज्ड थ्रू ए सिंगल वे। अंग्रेजी में बोल रहा हूं कि इससे इसका इसका विज्ञान भित्तिक माने हृदय में ठहर जाएगा, एजुकेटेड तो है ही हो, सब पढ़ा लिखा है और कौन नहीं समझेगा। तो जितना सारे हैं उसका मालिक है नित्यानंद प्रभु, जो कि गौरंग महाप्रभु के भी खरीद के रखा है, नित्यानंद प्रभु गौर को खरीद के रखा है, और गुरुवर्गो जो है हमारा सारे नित्यानंदों का चरण को
तो जो श्लोक को हम व्याख्या किया उसको अभी टाइम नहीं है, अभी सायंकालीन अधिवेशन में हम व्याख्या करेंगे। परम पूज्यवाद श्रील केशव गोस्वामी महाराज, ये एक ऐसा नाम है जिस नाम को बताते चाहे चले तो हमारा रोम खूब खड़ा हो जाता है। क्या है ये? ऐसा नाम है जिसका नाम विनोद बिहारी ब्रह्मचारी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल, जिनको कृति रत्न बोल के एक उपाधि टाइटल दिया, कृति रत्न। कृति रत्न माने नहीं समझा। पंजाब में रूपनगर रूपाड़ बोल के एक जगह है, भरतराज जी बोल के एक भक्त है। एक दिन हमारा कमरे में आया, वो प्रमोशन चल रहा था, एक दिन हमारा कमरे में आया। तब तो मोनो नहीं था, हम तब तो बात करते थे क्योंकि प्रचार में ओपन प्रचार में तो कथा बोलना ही काम है, ये तो भजन और प्रचार दोनों चलेगा। वहां भी प्रचार भी भजन है, मतलब उतना प्रेशर नहीं है। तो आके बोला, महाराज एक शब्द हमारा सामने रख दिया। महाराज इसका माने क्या है? बहुत सारे संतों लोग किताब में लिखा हुआ है। कौन बोले? प्रोमेयो। प्रोमेयो इसका माने? ये शब्दों का दिमाग में नहीं घुसता। हम तो हंसी उड़ाया, भरतराज जी तुम इतना बड़े हो और तुमको ये समझ में यार? बोले महाराज थोड़ा तो समझाओ, अब कुछ समझाने का नहीं, अब जाओ। टू बी प्रूव्ड जो उस चीज प्रमाण करना है उसको प्रोमेयो बोला जाता है। प्रोमेयो प्रमाण, प्रोमेयो टू बी प्रूव्ड, जो प्रमाण करने हो प्रमेय। वो हंसी उड़ा के चला गया। इतना इजी है, आपको दिमाग में नहीं आया? इतना इजी है लेकिन समझ में नहीं आया, है ना? तो ये बात है परम पूज्यात केशव गोस्वामी महाराज के बारे में, क्यों कीर्ति रत्नों बोला। बोले ये कृति रत्नों इसलिए दिया गया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया प्रभुपाद जी का, करके रत्न बन गया। इट्स ही इज अ ज्वेल, नॉट टू स्पीक अबाउट हिम, उसका बारे में हम क्या बोलते। वो रत्न बन गया भक्ति जगत में, गौड़ीय समाज में। ही इज अ ज्वेल, इज अ पीस, इसका बारे में हम क्या प्रवचन दे। प्रवचन तो काफी नहीं है। प्रभुपाद जी विनोदा को तुम ही बोल के बोलते थे, किसी को तुम ही नहीं बोलते। एक परमानंदो दो एक आदमी को, और परम विजय केशव कुशी महाराज अक्सर बोलते थे, किसी का आविर्भाव तिथि, किसी का तिरोभाव तिथि आ गया। इस तिरोभाव आविर्भाव जो है, ये तिरोभाव और आविर्भाव इस तिथि में आप लोग का चर्चा का विषय क्या बन सकता? क्या चर्चा करोगे? बोले महाराज ये चर्चा करेंगे कि महाराज जी उस जगह पे आविर्भाव हुआ, इस जगह ये काम धंधा किया, यहां आया वो काम किया, उसके बाद शरीर छोड़ा। बोला तुम बोका हो, हमारा भी चर्चा करने का विषय ये नहीं, ये तो है ही अपरागित। गुरु वैष्णव का आविर्भाव तिरोभाव तो अपरागित है ही है, इसलिए अधिवास स्थिति ये भी तिरोभाव के बारे में बोला जाए, इसका लिए कोई दोष नहीं। क्योंकि आपका लिए जो तिरोभाव है हमारा लिए आविर्भाव है। आपका लिए जो आज स्वर्ण पूजा केशव कुशी मार्ग का तिरोभाव स्थिति है, हमारा लिए आज आविर्भाव है, उसका स्वरूप का हमारा हृदय में आविर्भाव हो गया, इसलिए आज हमारा लिए आविर्भाव स्थिति, आपका लिए तिरोभाव, हम क्या करें। और तिरोभाव तिथि गया, तिरोभाव तिथि आविर्भाव तिथि आए तो आविर्भाव में उसका तिरोभाव हृदय में उसका वेदना जो है, जो बेचैनी है, वो महाराज चला गया, ऐसा भाव आए। तो आज जो महाराज जी का तिरोभाव तिथि है, ये तिरोभाव तिथि के बारे में महाराज कहाँ पैदा हुआ, बोरीसाल में क्या कुछ किया, एडुकेशन किया गया, ये सब चर्चा का लिए हम बैठे नहीं। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी का आविर्भाव तिरोभाव इस स्थिति में बैठ के पहले बोलते थे। ये आविर्भाव और तिरोभाव हम चर्चा करने बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि महाराज उधर आविर्भाव हुआ, ये किया, उधर गया, इतना डिग्री हासिल किया, ये सब बोलने के लिए बैठे नहीं। कोई गुरु वैष्णव भगवान का बारे में बोलने बैठो तो उसमें प्रभुपाद प्रभुपाद के भी ये कहना है, और परम पूज्यवाद श्रील केशव गोस्वामी महाराज भी कहते हैं। ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट और मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट दो चीज है। एक वैष्णवों का जिंदगी में तो कोई जड़ो विषय संबंध हो ही नहीं सकता, फिर भी किसी का दिमाग में ये बैठा कि जियोलॉजिकल
विषय महाराज उधर आविर्भाव हुआ, इधर आया, उधर आया, इसी वंश में आया, ये सब व्याख्या करते थे। लेकिन महाराज बोलते थे परम केशव गोस्वामी महाराज, हम कोई गुरु वैष्णव का बारे में कोई हमारा कुछ पुष्पांजलि देने बैठे, अपना स्वयं को पवित्र करने बैठे, तो मेरा मकसद है महाराज जी का सिद्धांत और तत्वगत विचार को उठाकर अपना जिंदगी को पवित्र बनाए। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज अक्सर बोलते थे, आज हमारा चर्चा करने का उपकरण है, उपकरण जिस चीज को लेकर, चीजों को लेकर हम चर्चा करें, ये उपकरण जो अपराकित है, उसका सिद्धांत, उसका विचार, उसका जो चरित्र, ये हम चर्चा करें। इतना ऊंचा पद में प्रतिष्ठित प्रभुपाद का गणों में कोई कम नहीं है, एक एक करके महापुरुष परम विजय केशव गोस्वामी महाराज का सेवा प्रभुपाद सर झुकाते हैं। हाँ विनोद, विनोद सेवा किया, विनोद प्रभु ऐसा सेवा है, सेवा तो कैसे हो सकता, अभी हम बताया बहुत सारी चीज का उत्तर देते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का उत्तर हमारा कथा में चलता है लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। जब तक हमारा ये जो इंद्रियां हैं ये जब तक अपराकित ना हो, अत तद्भाव भावित हो, यहां तक भी हम देवानंद गौरिया में चित्कार करके ये बात बताया, क्या बताया, क्या बात बताया, जब तक ठाकुर जी का आवेश तुम्हारे ऊपर ना हो जाए यू हैव नो राइट टू एक्ट एज एन आचार्य। जब तक तुम्हारा अंदर में ठाकुर जी का आवेश ना हो जाए तो आचार्यों का काम करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार होगा नहीं, ये हमारा कहना है प्रभुपाद का। चाहे कोई भी तुमको इलेक्शन करके आचार्य पद पर बैठा दिया लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं, अगर गुरु जी का पावर को लेते चलोगे तो होगा। ऐसा बहुत सारे सिद्धांत है, पहले गुरु जी बैठा के गया, बाद में भटक गया, दूसरा रास्ता में चला गया। गुरु जी बैठा पर गया, बैठा के गया तो क्या हुआ, गुरु जी बैठा के गया, गुरु जी का सम्मान कौन नहीं करता, लेकिन अक्सर एकदम इट इज क्लियर ही इज टोटली डिविएटेड फ्रॉम द ट्रैक ऑफ गुरु जी। और प्रभुपाद जी ने बताए स्लाइटेस्ट डिविएशन फ्रॉम द ट्रैक ऑफ योर गुरु जी कैन अल्टीमेटली थ्रो यू अवे फ्रॉम भजन। प्रभुपाद बताया जरा सा भी बाल बाल का कोई सिद्धांत का डिफरेंस हुआ तुम्हारा गुरु जी से, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसु, परसु नहीं तो तरसु, तुम दफा हो जाओगे गुरुचरण से। तो तुम्हारा जो एक्टिविटीज है, तुम्हारा जो सिद्धांत है, तुम्हारा जो विचार है, गुरु जी का एक भी विचार तुम्हारा अंदर में आज नहीं है, तो हम कैसे माने कि गुरु जी तुमको आचार्य बना के गया। ये तो हमको इस्कॉन से, इस्कॉन वाले एक दफे आज से 16-17 साल पहले, 18 साल भी हो सकता मैं भूल गया, सारे एकदम ट्रूप, फुल ट्रूप आया, तब गुरु जी प्रकट थे। हम मठ का तो इंचार्ज नहीं रहते, कभी चला जाता तो संभाल लेते, हमारा बुद्धि कम है तो थोड़ा गुरु जी का सेवा और ऑफिस का सेवा संभाल लेते। हमारा पास आए, बोले एक क्वेश्चन लेके आया गुरु जी का पास जाए, हम क्या बोले, हमारा क्या, हमारा जो गौड़ियों 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 का भजन जो है वो हमारा ऋतिक ऋतिक पद्धति है क्या, ऋतिक मतलब ओ, जो मर जाए उसका बाद किसी को देके जाए, हमारा ऋतिक पद्धति है का। हम बोला हम ऐसा तो लिखा जो का हम देखा नहीं, किसी जगह हमको नजर में नहीं आया कि प्रभुपाद जी ऐसा लिख कर गया कि ऋतिक पद्धति है, प्रभुपाद जी किसी जगह ऐसा प्रमाण नहीं है, और प्रभुपाद जी किसी को आचार्य निर्णय करके नहीं गया, क्यों, इसका पहले पीछे दो कारण हो सकता है। एक तो है इन सभी में जितना सारे शिष्य है, सारे सारे जितना है गुरु वर्गो, हमारा एक एक गुरु वर्ग में बड़ा भारी गुरुत्व देखा है प्रभुपाद, देखा ये सारे एक एक करके गुरु चर गुरु का पद अलंकृत करेगा आज नहीं तो कल, इसलिए किसी को गुरु नहीं बना के गया। वो गुरु जी गुरु तत्व तो जो है वो भगवान के द्वारा निर्णित है, भगवान के द्वारा निर्णित है। उड़ीसा के एक बड़ा भारी महाराज, पूरा विदेश में जिसका प्रचार है, उसका कट्टर सिद्धांत तो उड़ीसा का महाराज है, इतना कट्टर सिद्धांत है, बैठोगे तो उठ के चले जाओगे। फॉरेन में प्रचार करते थे, बाद में
और इतना कट्टर सिद्धांत है, इतना विचार है, किसी का चरण में वायलिंग नहीं किया। प्रभुपाद से हरिनाम हरिनाम हुआ था उसका, जो भी है हम उसका आविर्भाव तिथि पे तिरुभाव तिथि 100 साल का पूर्ति में बहुत सारे हरिकथा बोला, उड़ीसा में है, नाम नहीं बोलेंगे, क्या दरकार है। और क्या हुआ, वो महाराज का जो अंतिम समय आया तो बहुत सारे सीनियर डिवोटीज जो है आया और महाराज जी के चरण में बहुत दिन से विनती करते आ रहा है, महाराज जी काम करो, आपका उम्र हो गया, किसी को आचार्य बना के जाओ, नहीं तो ये मिशन का काम तो खराब हो जाएगा। महाराज जी को बार बार बोलते रहे, महाराज जी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अब सब तीन बहुत सारे आदमी आया, बहुत सीनियर, उनका ही शिष्य आके एकदम एक साथ आया, महाराज किसी को तो आचार्य बना के जाओ, नहीं तो मिशन खराब हो जाएगा। महाराज जी पूरा सर उठाया, पर हमको तो नजर में नहीं आ रहा है कोई किसी को आचार्य बनाए, ऐसा तो कोई किसी का कोई जीव नजर ही नहीं आ रहा, किसको आचार्य बनाए। महाराज जी की ये बात बोला, हमको नजर में ना आई नहीं आ रहा है कि किसको हम आचार्य बनाए, किसको आचार्य बनाए। तो फिर आप आचार्य नहीं बनाओगे तो पूरा मिशन तो खराब हो जाएगा। तो महाराज जी चिल्ला के बोला, ठीक है गौरांगो महापो का ऐसा इच्छा है कि मिशन खराब हो जाए, हो जाने दे, उसमें क्या आता जाता, इसमें क्या आता, व्हाट इट कंसर्न टू मी। हम ठाकुर जी का गुलाम है, हमसे आचार्य जी का काम करवाया, हम नहीं किया। ठाकुर जी जिससे जो कराना चाहे तो वो सिद्ध होता है, हमसे गुलामी करवाया, अब उसका बाद हम देख नहीं रहे तो हम जोर जोर से क्या करें, मिशन खराब हो जाएगा, ठाकुर जी का इच्छा, उसका ही मिशन है, जाने दे, हम नहीं करेंगे। बाप का बेटा है, आचार्य का जो सिंटम है दिखाई नहीं पड़ता। विभिन्न उपनिषद में, वेदांत में, शास्त्र में जो विचार है, भागवत में सारे विचार को मिलाकर टैली करके देखो, हम गुरु जी का शिष्य है कि नहीं। हम चिल्ला के कुत्ता का मापिक चिल्लाएगा, हम सिला भक्ति प्रमोद पूरी विश्व महाराज जी का शिष्य है, ये तो हमारा अपना एडवर्टाइजमेंट है, इट इज द काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हम तुम्हारा सामने एक बैनर लगा के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम भक्ति प्रमोद पूरी विश्व महाराज जी का शिष्य है, ये तो बड़ा खराब है। लेकिन जब आप लोगों से सब आदमी चिल्ला कर बोले, ये किसका शिष्य है, ये किसका शिष्य है जिसका जबान से ये सब निकल रहा है, तो हमारा गुरु जी का परिचय अगर आए तो ये सच्चा परिचय, शिष्य को देख के पता चले किसका शिष्य है, जिसका आचरण ऐसा है, जिसका कथा ऐसा है, जिसका चरित्र ऐसा है, जिसका सिद्धांत ऐसा है, मामूली किसी का शिष्य जरूर हो ही नहीं सकता। सिर्फ बामन गोस्वामी महाराज को देख कर ही आदमी को पता चलता सारे दुनिया को किसका शिष्य है। ये बताओ कि ये जो कृष्णदास को विराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, कितना सारे दिखाओ सबका, इन लोगों का जो लिखा है, इन लोगों का जो प्रभु जी को भी कुछ भी बोला, वो चिल्ला चिल्ला कर गुरु जी का नाम का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, दिखाओ। अब बताओ, आपको अगर पूछे सनातन गोस्वामी जी का गुरु जी कौन है, आप बोलेगा मामा तू सुना नहीं, किससे बेच लिया सुना नहीं, वो चिल्ला चिल्ला कर बता नहीं। इसका जो एक्टिविटीज है, वैष्णव लोगों का जो चरित्र है, स्वभाव है, यही प्रमाण कर देता है उसका शिष्य है। हम अगर सिर्फ भक्तिपूर्ण पूरी विश्व महाराज जी का शिष्य है तो हमारा अंदर में गुरु जी का जो भाव था, सिद्धांत था, सारे परिस्फुटन हो जाएगा। महाराज जी का अंदर में जो भाव है, सिद्धांत है, वो हमारा अंदर में स्वतः प्रकट हो जाए, प्रकाशित हो जाए, इसमें कोई बनावट ही नहीं है, तब तो सोचोगे हाँ उसका शिष्य है, उसी का माफी, एक ही भाव है। तो महाराज जी ऐसे तन्मय हो जाते थे, सिर्फ महाराज जी गुरु सेवा में ऐसा तन्मय हो जाते थे जो किसी को पता नहीं चलता महाराज किस स्थिति पे है। आज जो चैतन्य मठ है, चैतन्य मठ ये तो अपराकित जगत का मठ है, चैतन्य मठ किसी का बाप का संपत्ति नहीं है, किसी ने कब्जा कर लिया बोले हमारा मठ है, हाँ तुम्हारा मठ है, किसी का मठ नहीं है चैतन्य मठ, हम सभी का मठ है। कितना हिम्मत हुआ तुम्हारा हमारा मठ बोलने, आज जो चैतन्य मठ का एक भी जमीन है नहीं है, सारे बिक्री हो गया, सारे गया, सब बिक्री गया।
अब प्रभुपाद का टाइम में जहां देखो जहां तक नजर जाए, जहां तक नजर जाए तहां तक चैतन्य मठ का जमीन ही जमीन है सारे। जहां तक आपका नजर जाए, जहां तक आपका नजर पहुंच नहीं सकती, सारे चैतन्य मठ का जमीन है। अब सब गया, सारे चला गया, कुछ नहीं बचा। और ये जमीन जायदाद जो है इसको संभालने के लिए ये जमींदार का लड़का, ये हमारा परम पूज्यवाद विनोद दा, विनोद बाबू को समर्पित किया ये सेवा। आप संभालो, अब ये सेवा को संभालो, ये सेवा को आप संभालो। और सेवा करते करते क्या होता, विनोदा जितना स्टेट है वो स्टेट का जो कर है टैक्स है वो लेते थे, सब विचार करते थे। हाँ, इतना सारे पावर। और एक दफे महाराज जी ये चेयर में बैठकर कोई चिंतन में थे और गुरु भाई सीनियर गुरु भाई कोई गुरु भाई उधर से गुजरा और सीधा आके प्रभुपाद जी के चरण में आया, वंदन किया और बोला विनोद जी का बड़ा अभिमान हो गया हमारा। है क्या कह रहे, विनोद जी का बड़ा अभिमान दम्भिक हो गया। बोले क्यों, कैसे समझ में? बोला हम उधर से आया, वो चेयर में बैठा हुआ है और हमको देखा, कुछ नहीं बोला, एक दंडवत मुख से तो बोलो, कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद जी मुस्कुराए, आपका गलती होगा। नहीं, हम उधर से आ रहा है, कैसे गलती हुआ आपको? गलती हुआ, वो देखा नहीं आपको, देखा नहीं, हम सामने से आया। बोला ठीक है, उसको बुलाओ। अब विनोद दा को बुलाएगा, विनोद को बोला विनोद बाबू आप ये जो प्रभु उधर से गुजरा, गुजर के इधर से आया, इधर आप देखा? हम तो देखा नहीं, देखा नहीं, आपको सामने से आया। बोला विश्वास करो, हम देखा नहीं। उस टाइम में विनोद जी बैठ के, विनोद दा बैठ के दूसरा सेवा का चिंतन, प्रभुपाद का सेवा ऐसे करेंगे। वो सेवा में पहुंच गया और बाहरी दृष्टि में उसका शरीर नजर है किसी दूसरा चीज में, समझ में नहीं आया कि वो देखा नहीं। ऐसा बहुत सारे घटना है। ऐसा देखो, ऐसा आप में किसी का हिम्मत है? हम तो देखा नहीं, आज तक हम देखा नहीं। हमारा जितना भजन का जो हमारा जो गुरु जी लाए हैं प्रभुपाद जी का कृपा से, हम हमारा ये छोटा सा जिंदगी में हम देखा ही नहीं किसी ऐसा आदमी जिसका पास पैसा आ गया, ठाकुर जी का बहुत सारे संपत्ति आ गया, लेकिन उसका अंदर में अभिमान नहीं आया, हम देखा नहीं। एक मंदिर बनाया, वो पहले खाना पीना भी नहीं मिलता था, भोजन भी नहीं मिलता था, इतना गरीब घर का लड़का है, लेकिन आप उसका नजर में नहीं आया था कोई कोई साधु गुरु वैष्णव कौन है, कैसा ऊंचा पद है उसका, किस स्थिति पे है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अपमान कर रहा है सबको, सबको अपमान कर रहा है वो। हाँ, और संपत्ति आया ठाकुर जी का, उसका बाद उसका विनम्र भाव हम देखा नहीं, अगर है भी वो भी कपट 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 विनम्र भाव। लेकिन परम पूज्य केशव कुशी महाराज की जिंदगी में ऐसा नहीं था, वो कपट नहीं थे। इतना बड़ा जायदाद संपत्ति को संभालने का बाद भी कैसा संभव है? वेदांतों का ऊपर अनोखा व्याख्या करते थे, तो परम पूज्य केशव कुशी महाराज का नाम हो गया था। प्रभुपाद जी बोलते थे इसका वेदांतों का जो व्याख्या है बड़ा आश्चर्य किस्म का व्याख्या, प्रभुपाद बोलते थे। और तब की जमाने में सुंदरानंद विद्या विनोद साम, विद्या विनोद और विद्या अलंकार, और नाम नहीं बताएंगे, दरकार नहीं है, ये दोनों आकर विनोदा का सामने रिक्वेस्ट किया, आपका वेदांतों का व्याख्या, प्रभुपाद बोला बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करो मायावाद का ऊपर एक भाष्य लिखो, आप पूरा आर्टिकल लिखो, हम गौड़ीय पत्र में हम छापेंगे। विनोदा को बार बार बोला, विनोदा ठीक है, मायावाद जीवनी जिसको बांग्ला में बोलते हो, मायावाद का जीवनी है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मायावाद, इसका बारे में महाराज जी सुंदर एक किताब लिखा, पढ़ के हैरान हो गया सब। अब जब आया जो आपका जो आर्टिकल है, तो विनोदा बोला आप ये आर्टिकल तो आपने छापने जा रहा है कि ये प्रभुपाद जी को दिखाए? बोले हाँ, प्रभुपाद जी देख के हैरान हो गया, इतना सुंदर है। बस
तब की जमाने में वो गौड़ियों पे गौड़ियों पत्रिका में छपे बहुत सारे सुंदर। महाराज जी का एक एक सेवा का बारे में सिद्धांत के बारे में हम बोलते चले तो आपको टाइम नहीं है, हम तो बोलने के लिए बैठे हैं चाहे 8 घंटा 10 घंटा, लेकिन समय भी कम है, दूसरा सेवा भी है। अब यहाँ प्रवचन का विश्राम दे, टाइम अगर मिले ठाकुर जी का इच्छा हुए तो सायंकालीन अधिवेशन में और चर्चा करेंगे महाराज जी का विषय, फिर भागवत का महिमा का वर्णन में चर्चा करना शुरू कर देंगे। जानो स कृष्णाद विमुखो सदैवाद अधर्मशील सुदुखित अनुग्रहाये हो चरन्ति नूनम भूतानि भाव्यानि जनार्दनस वांछ कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनं वैष्णवभ्यो नमः।